हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ अपने सभी मित्रगणों के समक्ष। दोस्तों, जयपुर की यातायात पुलिस ने इतना भैया प्रस्तुतिकरण किया है राहगीरों के लिए, जो ट्रैफिक पर चलते हैं, लोग बाग रेड सिग्नल पर खड़े होते हैं उनके लिए इन्होंने देखो किस तरीके उत्तम व्यवस्था कर दी है, छाया के लिए लगाकर पंडाल। ये मैं चीज़ की इतनी सराहना करूंगा इन यातायात पुलिस वालों की, हर चौराहों पर इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बना दी है कि कोई को भी धूप में परेशान ना होना पड़े रेड लाइट के समय पर। तो इनका जितना गुणान बात करा जाए, जितना इनका उत्साह करा जाए, जितना इनका आनंददायक प्रस्तुतिकरण इन्होंने दिया है यहाँ पर, उसकी मैं खूब सराहना करूँगा दिल से। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने भी जनता के लिए, जितने भी राहगीर हैं चलने वाले हैं उनके लिए जो प्रस्तुति करी है, बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए इतना ही, आगे की मंजिलों पर होगी। राजा राम। हाय गाइज, हम फिर उपस्थित हैं अपने सभी मित्र मंडलियों के समक्ष। जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं यहाँ, इनसे पूछने आए हैं कि बेटा आज हमारी डाक तो पूरी हो गई 35,000, या नहीं हो पाई है। अभी बात करते हैं इनके बॉस से, ये बैठे हुए। गुरु, हमारा काम का क्या है? कैसे छम बैठे हुए हो, चूंजा बने हुए हैं? क्या हुआ डाक का? गुरु आगरा बाबू, डाक तैयार है आपकी, लाओ दो फटाफट उस सैंपल को, दिखाओ हमारा क्या बना है। और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, वे एक से बढ़कर हैं, सब हमारे सोनी भाई साहब। हाय गाइज, हम फिर उपस्थित हैं अपने सभी मित्रगणों के समक्ष। जितने भी यहाँ विराजमान हैं लोग बाग, सब हमारी ही जानकार हैं और भाई बंधु हैं और हमारे कार्यक्रम को करने में तत्पर रहते हैं। इनसे हमारा डाक का काम चलता रहता है। अभी इनसे ब्याज तक पूछते हैं कि यार एक बात बताओ, आज 5 दिन पहले हमने आपको 35,000 डाके दी थी, उसके में से कितनी बिड़ चुकी हैं? ये हम पूछते हैं श्री मोनू जी से। हाँ जी मोनू जी, क्या हुआ हमारे काम का भाई साहब? काम तैयार है। कितनी बिड़ चुकी है उसमें से 35 में से? 25,000 बन गई। चलो अभी दिखाना हमको, ये हमारा ही चल रहा है क्या काम? ये काम हमारी नाके मिल रही है कि हीरे की पोलकी की? फटाफट करवाओ जिससे कि आगे दें यार, जड़ाई पे लगे काम यार। राजा बाबू के क्या हाल है? बस चिल चिल है, चिल पिल हो क्या? चिल पिल। ये सामने बैठे हुए हैं हमारे आगरा नरेश, बीच में ये भी सोनी जी हैं। क्या हाल है आपके भाई साहब? बस बढ़िया साहब। आपका शुभ नाम? आयुष सोनी। वाह क्या बात है, ये भी हमारे सोनी भाई साहब हैं बगल में। आपका नाम भाई साहब? सुरेश सिंह। ये भी हमारे भाई साहब हैं, ये भी डाक का ही काम करते हैं, ये भी स्पेशलिस्ट हैं हैदराबाद डाक के, और ये भी स्पेशलिस्ट हैं। जितने भी बैठे हुए सब स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये हमारी डाके बिगड़ रहे हैं इस समय, लगे हुए हैं काम में। यों कह रहे हैं 25,000, यों बोल रहे हैं कि 25,000 भाई साहब आपकी डाक बिड़ चुकी हैं, अभी 10,000 शेष है, तो शाम तक या कल तक आपको पूरा का पूरा माल सौंप कर फ्री कर दिया जाएगा और जो हमारी सेवा हुई है वो आप हमको प्रदान कर दें। भाई ये एक डाक के 20 रुपये लेते हैं, तो तकरीबन इनका बैठेगा हिसाब, देखते हैं क्या होता है। इन्हें हंसी आ रही है, ये देख रहे हैं कि यार लोड ज़्यादा हो गया है पैसे का, तो देंगे यार क्या करें, काम कराया है तो पैसे भी देने ही होंगे। क्यों जी, बगैर पैसे के संसार में कोई चीज़ होती है क्या? 25 नहीं 35,000 है भाई साहब, 25 तो बिड़ चुकी हैं, 10,000 शेष हैं, 70,000, 35,000 डाके हैं, तो इनके तकरीबन हिसाब ऐसे ही बैठेगा गुरु, ये मान के चलो बहुत मोटा हिसाब हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। हमें क्या करना है यार, आगे वाला देगा, हमारा तो काम लेना और देना और पैसे उठाना। क्यों जी, और क्या आपका कहना होगा इस बारे में गुरु? बाजार क्या कहता है, ये रंगत क्या कहती है, इस समय काम क्या चल रहा है बाजार के अंदर, ये बताएं। काम बिल्कुल स्लो है, छुटर पुटर चल रही है गाड़ी, खर्चे लायक, खर्चे लायक, आने वाने आने जाने का किराया बड़ा निकल जाता है। कहाँ से आते हो आप? दौसा से। दौसा से 55-60 किलोमीटर दूर से यहाँ काम करने आते हो? से आगे है अलूदा गांव 15 किलोमीटर। अच्छा, वहाँ से आते हैं। तो आप तो 60-65 किलोमीटर तकरीबन दूर हो इस जगह से? तो डेली अप डाउन करते हो? सुबह कितने बजे चलते हो वहाँ से? यहाँ कितने बजे आके लगते हो? 8:30
9:30 दो घंटे लग जाती है क्या भाई? 2.5 घंटे का सफर तय कर आते हैं काम के लिए। देखा लोग बाग पैसों के लिए कितनी मेहनत करते हैं दो वक्त की रोटी के लिए। गुरु ये है सारी कहानी। अलौदा से आते हो माशा तो ये किधर मेन रोड दौसा के अंदर जाकर होगा। हाँ और ये कहाँ से आते हैं? तो प्रॉपर जयपुर के ही होंगे आपके बगल में बैठे। ये है वहाँ के फागी। ये फागी से आते हैं। हाँ वाह भाई वाह। ये पर जयपुर रहते हैं रूम लेके। यहाँ किराए पे मकान ले रखा है, कमरा ले रखा है साथ ही। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तुम भी ले लो एक कमरा यहाँ। क्यों अप डाउन से लगता है मेरे को। हाँ भाई रात को अपने स्थान पे पहुंचकर आनंद लेने में घर की रोटी मिल जाती है। यही तो फील है भाई, घर की रोटी चाहिए और भी कुछ घर का चाहिए तो भैया क्या कह सकते हैं हम। अभी जनता के समक्ष ज्यादा बातें प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। आप आगरे से दिल्ली आते हो क्या भाई साहब? आगरे से दिल्ली यहाँ आते हो? नहीं नहीं परमानेंट है यही तो। हम तो भी यहाँ कहाँ बना रखा है अपने निवास स्थान? निवास स्थान अभी तो जोटवाड़ा में। यानी कि यहाँ से 25-20 किलोमीटर दूर है आपका? नहीं 9 किलोमीटर है बस। अच्छा यहाँ से मेन रोड जौहरी बाजार से। तो डेली अप डाउन करते हो आप भी? हाँ जी। बढ़िया बात है। शादी हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। हाँ तो मस्त हो फिर तो, जो बचता है वो आनंद में लगाती हो। चलो अभी के लिए इसको विराम देते हैं। आगे की दिव्य पुस्तुतिकरण आपके समक्ष आगे साझा करेंगे। अभी के लिए जय सियाराम जय राजाराम। सबसे यही कथन होगा सबकी मदद करो सबकी हेल्प करो जो भी कर सकते हो करो लेकिन करो। जय सियाराम। भाई साहब इन्होंने अभी हिसाब हमको बताया। जो बोले महाराज 7 पेटी देने हैं आपको मजूरी के 35 या 8 डाक के। तो ये है हिसाब गुरु। इसमें तकरीबन ये मान के चलो 20-25 दिन लग गए हैं बिड़ने में भी 10,000 डाके सिर से। अभी काम चल रहा है हमारा। देखिए ये चल रहा है इनके हाथों में हमारे लिए। ये देखिए का काम कर रहे हैं। ये डायमंड्स की पोलकियां हैं। ये जी काम चल रहा है, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अभी सफाई होगी इसकी। भाई देखो हम एक माध्यम है इस काम को कराने के लिए। हम इसको लेंगे और चढ़ाई के पुरजों वालों को देंगे। सब एग्जस्ट होता रहता है एक दूसरे की। अभी इतना ही है काम चल रहा है। अभी यह है 10-20 और बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अभी तो 10,000 डाके से 2-3 दिन में वो भी कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। इनसे कलेक्ट करके इनका पेमेंट इनको दे देंगे आधा पर्दा भी तो बाकी की भी दोबारा तो दूसरी बार देंगे और माल लाएंगे और देंगे। क्या करें करना पड़ता है भाई। दो पैसे की प्राप्ति के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। और मोनू भाई साहब क्या चल रहा है? और फर्स्ट क्लास। अभी आप कहाँ रहते हो? ये व्यक्ति पीछे से बोले ये धरती पे रहते हैं भाई। धरती पे तो पूरा संसार रहता है मेरे भाई। धरती में कौन से स्थान पर रहते हो? ये सांगानेर रहते हैं, सांगानेर गौशाला के पास। क्यों जी वही स्थान है आपका? हाँ जी। अभी हमसे कह रहे हैं कि मनीष बाबू कि अपन ऐसा करते हैं एक दिन गिरिराज जी जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं गोवर्धन। तो ये सोच रहे हैं कि मोहिनी एकादशी वाले दिन गोवर्धन जी जाने का प्रोग्राम है। एकादशी वाले दिन मैं कह रहा हूँ बहुत भीड़ है भाई, गर्मी भयंकर है, हालत ख़राब हो जाएगी। क्या विचार है इस बारे में आपका? इतना सोचने का समय नहीं मिलता है मेरे भाई। विचार तो नेक है? नहीं विचार नेक है। अब हम जो बता रहे हैं गर्मी तेज है तो इसमें जाना चाहते हैं क्या आप? जाना तो पड़ेगा। चलो फिर प्रोग्राम बनाते हैं अपन। अकेले चलोगे और टीम मेंबरों को भी ले चलोगे? बैसाख का महीना है। बैसाख का महीना है। हाँ हाँ बड़ा महीना है। ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगानी जरूरी है। सही बात है, ये तो होना ही चाहिए। ऐसी भावना सबके मन के अंदर होनी चाहिए।
गर्मी से ज्यादा ठाकुर जी की सानिध्यताओं का लाभ लेना ज्यादा जरूरी है। क्यों जी? यात्रा जब ही सफल होती है जब कठिनाई। वाह क्या बात है, क्या बात, बिना कठिनाई के यात्रा सफल नहीं। तपस्या करे बिगर ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसका पूरा का पूरी बातचीत ये होगी। क्यों जी? हाँ जी, बहुत से लोग बाग तो कंडों के बीच में बैठे हुए तब कर रहे हैं इतनी गर्मी में। क्यों, देखा है आपने उन बाबा जी को? नहीं देखा। वो भी कंडों को चारों तरफ से लगाकर और अग्नि जलाकर बीच में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे आटे का गोला रखा हुआ है, इतना तप कर रहे हैं वो भी इस समय बरसात लाने के लिए। वो हर साल प्रकट हो जाते हैं इसी तरीके की तपस्या के लिए। तो इनका ये कहना है बिगर कठिनाई के कोई भी ना तो तप, ना प्रभु की प्राप्ति, ना प्रभु की सेवा और ना मंदिरों के दर्शन करना नहीं हो पाता, क्योंकि बिगर कठिनाई के संसार में कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। मेहनत बिगर कोई चीज़ संसार में किसी को नहीं मिल सकती है। आप ये बोलोगे गुरु बहुत बोलते हैं यार चपड़ चपड़, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं गुरु। क्या करूँ मैं अपनी आदत से मजबूर गुरु। अभी के लिए इसको विराम देते हैं, आगे की भेंट आगे की मंजिलों पर होगी। जय सियाराम, जय राजा राम।